भारत एक विशाल देश है जिसमें पर्यटन के लिहाज से कई जगह है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जो अपने पर्यटन से ज्यादा रहस्यों और रोचकता के लिए जानी जाती है। आज इस कड़ी में हम आपको एक ऐसी ही अनोखी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका संबंध रामायण काल से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत का अंतिम चोर कहे जाने वाले तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वर द्वीप के किनारे पर स्थित धनुषकोडी के बारे में। यहीं पर एक ऐसी सड़क है जिसे भारत की आखिरी सड़क भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहां से श्रीलंका साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन आज ये जगह बिल्कुल वीरान हो गई है और रहस्यों से भरी हुई है। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र ऐसी स्थलीय सीमा है जो पाक जल संधि में बालू के टीले पर मौजूद है। इसकी लंबाई महज 50 गज है और इसी वजह से इस जगह को दुनिया के लघुतम स्थानों में से एक माना जाता है। इस गांव को बेहद ही रहस्यमय माना जाता है, कई लोग तो इसे भूतहा भी मानते हैं। वैसे तो दिन के समय यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले उन्हें वापस भेज दिया जाता है। यहाँ रात के वक्त रुकना या घूमना बिल्कुल मना है। यहाँ से रामेश्वरम की दूरी करीब 15 किलोमीटर है और पूरा इलाका सुनसान है। जाहिर है, ऐसे में किसी को भी डर लग सकता है। ऐसा नहीं है कि यह गांव हमेशा से सुनसान रहा है। यहाँ पहले लोग रहते थे। उस समय धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन से लेकर अस्पताल, चर्च, होटल और पोस्ट ऑफिस सब थे, लेकिन साल 1964 में आए भयानक चक्रवात में सब कुछ खत्म हो गया। कहते हैं कि इस चक्रवात की वजह से 100 से अधिक यात्रियों के साथ एक रेलगाड़ी समुद्र में डूब गई थी। इसके बाद से यह इलाका वीरान हो गया। कहते हैं कि धनुषकोडी ही वो जगह है जहां से समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण शुरू किया गया था। मान्यता है कि इसी जगह पर भगवान राम ने भगवान हनुमान को एक पुल का निर्माण करने का आदेश दिया था, जिस पर से होकर वानर सेवा रावण की लंका नगरी में प्रवेश कर सके। इस गांव में भगवान राम से जुड़े कई मंदिर हैं। ऐसी मान्यता है कि विभीषण के कहने पर भगवान राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया था, इसी वजह से इसका नाम धनुषकोडी पड़ गया। इस गांव से एक ऐतिहासिक घटना भी जुड़ी हुई है। दरअसल वर्ष 1893 में स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में आयोजित धर्म संसद में भाग लेने गए थे, उसके बाद लौटने पर उन्होंने भारत में सबसे पहले धनुषकोडी में ही अपना कदम रखा था। वह श्रीलंका के कोलंबो से होकर यहाँ पहुंचे थे। तो दोस्तों, यह था भारत का रहस्यों से भरा गांव धनुषकोडी। दोस्तों, अगर आप भी धनुषकोडी गए हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।